कविता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप खिलाड़ी भी रही हैं, 72 घंटे का वक्त बीत चुका है और आरोप भी कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं लगा रहा है, आरोप लगा रही हैं वो लड़कियां, वो बेटियां जो शान है हमारे देश की, जिन्होंने माथा ऊंचा किया है, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, उस पर इस तरह का रिएक्शन आ रहा है। आपको लग रहा है कि इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा जितना लिया जाना चाहिए? देखिए, वो जो जंतर मंतर पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, वो कोई आम लड़कियां नहीं हैं। उन्होंने ओलंपिक में पदक दिया है, हर भारतवासी को गौरव महसूस करवाया है। और आज जब वो अपनी बातें मीडिया के सामने रखती हैं, रो रो कर अपनी आपबीती सुनाती हैं, तो हर भारतवासी शर्मिंदा है। इनका जो फैसला है, आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक आश्वासन दिए जा रहे हैं। अगर या तो हमारी जो मौजूदा सरकारें हैं या हमारा हमारी जो संगठने हैं, इनको विश्वास नहीं है, इनको हर बात के लिए सबूत चाहिए। जब एक महिला अपने आत्म सम्मान को सामने रख कर मीडिया के सामने अपनी बात रखती है, वो अपने आप में बहुत कुछ साबित कर देती है। उसके आगे कुछ नहीं बच जाता कहने के लिए। सरकार को इमीडिएटली फैसला लेना चाहिए था, उनको जिन पे ब्रजभूषण जी पे ये आरोप लगे हैं उनको तुरंत उनको हटा देना चाहिए था पद से, उन पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन चलो, इन्होंने 72 घंटे का टाइम दिया है, वो भी समय आएगा, हम उसमें भी देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के पक्ष में ही कोई फैसला आएगा। ठीक है।